हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज पता चलेगी जिससे आपकी लाइफ काफी हद तक बदल सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कैप्शन पर जाएं, वहां से कैप्शन ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। न कहने की कला, कैसे अपनी बात पर अड़े रहें, अपना समय और ऊर्जा वापस पाएं और दूसरों की अनदेखी न करें बिना दोषी महसूस किए। अपनी बात पर अड़े कैसे रहें, अपना समय और ऊर्जा वापस कैसे लें और दूसरों की नजरों में न आने दें बिना दोषी महसूस किए। क्या आप पेशेवर रूप से दूसरों की मदद करने के लिए दबाव डालते हैं? अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं? लेखक डायमंड ज़हरियादेस की ओर मुड़ें, जिनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली निर्देश पुस्तिका आपको नहीं कहने के लिए उपयोगी तकनीकें बताती है। एक स्ववर्णित पुनर्प्राप्त लोगों को खुश करने वाला ज़हरियादेस इस सार्वभौमिक मुद्दे पर अपने वास्तविक दुनिया के अनुभव को लागू करता है। वह कहते हैं कि वह अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों की किसी भी सहायता के अनुरोध पर मदद करने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल देते थे। हालांकि वह हमेशा एक बड़ी मुस्कान के साथ अपना कीमती समय देते थे, लेकिन अंदर से वह दुखी रहते थे और खुद को एक मूर्ख की तरह महसूस करते थे। यहाँ ज़हरियादेस आपको सिखाते हैं कि विनम्रता पूर्वक नहीं कहने की कला में महारत हासिल करके आप खुद को नुकसान पहुँचाने वाली वही गलतियाँ करने से कैसे बच सकते हैं। वह वादा करता है कि जितनी बार आप अभी नहीं कहेंगे, उतनी ही कम बार आपको भविष्य में ऐसा कहने की जरूरत पड़ेगी। सिफारिश: क्या आप पेशेवर रूप से एक डोरमेट हैं? क्या लोग लगातार आपकी मदद करने के लिए आपको धक्का देते हैं? अगर ऐसा है तो लेखक डायमंड ज़हरियादेस की सबसे ज्यादा बिकने वाली निर्देश पुस्तिका आपको नहीं कहने के लिए उपयोगी तकनीकें देती है। ज़हरियादेस बताते हैं कि आपको ईमानदारी से और सीधे तौर पर क्यों बोलना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। इसमें उचित समय पर नहीं कहना भी शामिल है। वह वादा करता है कि जितनी बार आप अभी नहीं कहेंगे, भविष्य में आपको उतनी ही कम बार ऐसा कहने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा या मददगार बनने की कोशिश में कुछ लोग ऐसे लोग बन जाते हैं जो हर अनुरोध पर हाँ कह देते हैं। हमेशा दूसरों को हाँ कहने का मतलब है कि आपके पास अपने लिए बहुत कम समय होगा। जब आप हर किसी को लगातार हाँ कहते हैं तो आप खुद को भी लगातार ना कह रहे होते हैं। हमेशा हाँ कहना आदतन सीखा हुआ व्यवहार है। नहीं कह पाना एक आवश्यक जीवन कौशल है। आप सीख सकते हैं कि कैसे नहीं कहना है और कैसे अधिक दृढ़ निश्चयी बनना है, जो कि आक्रामक होने के समान नहीं है। लोगों को खुश करने वाले लोग अस्वीकृति बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं कहने का विचार ही उन्हें भय से भर देता है। सफल लोग नहीं कहना जानते हैं। जब आप दूसरे लोगों की नकारात्मक भावनाओं को ठुकरा देते हैं तो आप उनके लिए जिम्मेदार नहीं होते। आप जितनी अधिक बार अभी नहीं कहेंगे, भविष्य में आपको उतनी ही कम बार नहीं कहना पड़ेगा। सारांश: क्या आप एक जाने माने व्यक्ति हैं? यहाँ एक आम दुविधा है। एक दोस्त आपसे मदद मांगता है और आप उसकी बात मान लेते हैं। आपके दोस्त ने जो 10 से 15 मिनट का समय मांगा था, वह एक घंटे के करीब होता है। मदद करने से आपको अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही आपको बुरा भी लगता है। आप उस समय का उपयोग महत्वपूर्ण कामों में कर सकते थे जिन्हें पूरा करने की जरूरत थी। अब आप और पीछे हैं और आप खुद को बेवकूफ महसूस कर सकते हैं। लोगों को नहीं कहना सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। यह आपको अपने निजी और पेशेवर दोनों हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र करता है। इसके तुरंत बाद कोई दूसरा दोस्त भी ऐसा ही अनुरोध करता है और अच्छा होने के कारण आप अपने काम से एक और घंटा दूर हो जाते हैं। अब आप और भी पीछे रह जाते हैं। दुर्भाग्य से यह अक्सर एक पैटर्न बन जाता है। दयालु होने के प्रयास में आप हमेशा दूसरों के लिए उपकार करने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। नतीजतन आप उन लोगों से नाराज हो सकते हैं जो आपसे मदद मांगते हैं, और आप खुद पर गुस्सा हो सकते हैं कि आपने खुद के लिए समय दिया। यहाँ एक सरल सत्य है: हर बार जब आप किसी और को हाँ कहते हैं तो आप खुद को ना कहते हैं। सौभाग्य से इस दुविधा से बाहर निकलने का एक उत्पादक तरीका है: सीखे कि कैसे शांति, अनुग्रह और चातुर्य के साथ ना कहना है और बिना अपराध बोध के अपना समय सुरक्षित रखें। अगर आप अपने समय और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। किसी और की देखभाल करने से पहले अपने काम का ख्याल रखें। ऐसा न करना खुद को परास्त करने जैसा है। अगर आप अपना ज्यादातर समय दूसरों की मदद करने में बिताते हैं और अपनी जरूरतों पर ध्यान नहीं देते तो आप थक जाएंगे, चिड़चिड़े और निराश हो जाएंगे। फिर आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि खुद की भी।
आत्म संरक्षण का मूल नियम है कि पहले खुद का ख्याल रखें। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप दूसरों की मदद उचित तरीके से कर सकते हैं और कभी भी अपने नुकसान के लिए नहीं, कम से कम बिना सोचे समझे तो नहीं। मुखरता। खुद का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने की आवश्यकता होती है। आपको यह व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए कि आप जीवन से क्या चाहते हैं और फिर उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। जब आवश्यक हो तो आपको अपने लिए बोलना चाहिए और वही करना चाहिए जो आपको सबसे अच्छा लगे। जब आप दृढ़ निश्चय होते हैं तो आप दूसरों के समर्थन की आवश्यकता के बिना अपनी इच्छानुसार जीने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। हाँ, कहना हम में से कई लोगों की एक गहरी आदत है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम लंबे समय में करना सीखते हैं। जितना अधिक समय तक हम ऐसा करते हैं, आदत उतनी ही गहरी होती जाती है और फिर यह सहज हो जाती है। मुखरता के लिए स्पष्ट संचार की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप नहीं कहना सीखते हैं, आप अधिक मुखर होते जाते हैं। नहीं एक जादुई शब्द बन जाएगा जो आपके जीवन को बेहतर के लिए बदल सकता है। मुखर लोग आक्रामक नहीं होते। मुखर होने का मतलब है अपनी बात कहना अप्रिय तरीके से नहीं, बल्कि परिणामों के डर के बिना। आक्रामक होने का मतलब है कि आप झगड़ालू, शत्रुतापूर्ण राय रखने वाले और धमकी देने वाले हैं। मुखर लोग सम्मान करते हैं और कभी दूसरों पर हावी नहीं होते। आक्रामक लोगों को लगता है कि उन्हें शुरू से अंत तक मीटिंग में हावी रहना चाहिए। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे कमरे में अच्छे विचारों वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। समूह सेटिंग में वे हर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। मुखर लोग विचारशील होते हैं, लेकिन वे खुद को इधर उधर धकेलने की अनुमति नहीं देते हैं। नहीं की शक्ति। नहीं एक छोटा सा शब्द है जिसमें बहुत ताकत होती है। यही एक कारण है कि बहुत से लोग नहीं कहने से नफरत करते हैं या नहीं कहने से डरते हैं। जब वे किसी को मना करने का साहस जुटाते हैं तो वे अक्सर माफी मांगते हैं और बहाने बनाते हैं। वे व्यवहारिक रूप से माफी की भीख मांगते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अक्सर हाँ कह देते हैं जब हमें पता होता है कि हमें नहीं कहना चाहिए। यह एक सहज प्रतिक्रिया है जो दूसरे लोगों की स्वीकृति पाने की हमारी लालसा से पैदा होती है। ज्यादातर बच्चे अपने मूल्यों के आधार पर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे उन्हें मददगार और देखभाल करने वाले के रूप में देखें। वे अच्छा व्यवहार करके अच्छाई प्रदर्शित करते हैं। जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण में हाँ कहना एक महत्वपूर्ण गुण बन जाता है। जब ये बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उनमें से कई आभासी हाँ मशीन बन जाते हैं, हर किसी के लिए हर चीज के बारे में हाँ कहना। लंबे समय तक लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका ये सुनिश्चित करना है कि पहले आपकी जरूरतें पूरी हों। कुछ लोग हमेशा लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं। अगर आप बोलने से डरते हैं, आपको लगता है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। जब आप उदास होते हैं तो खुश रहना चाहिए, संघर्ष से बचना चाहिए। जब आप अपने लिए कुछ भी करते हैं तो खुद को स्वार्थी समझते हैं। आपकी व्यक्तिगत सीमाएं कमजोर होती हैं और आप मानते हैं कि सिर्फ दूसरों की खुशी ही मायने रखती है, तो आप लोगों को खुश करने वाले हैं। लोगों को खुश करने वाले लोग अस्वीकृति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं कहने का विचार उन्हें भयभीत कर देता है। सीखा हुआ व्यवहार। हाँ कहने की प्रवृत्ति अक्सर दूसरी प्रकृति या एक मजबूत आदत बन जाती है, जिससे यह एक सीखा हुआ व्यवहार बन जाता है। जब कोई आपसे कोई एहसान मांगता है तो आप अनुरोध के बारे में सोचते भी नहीं हैं, बल्कि इसके बजाय स्वचालित रूप से और तुरंत सहमत हो जाते हैं। आप इस सीखे हुए व्यवहार को भूल सकते हैं। छोटी शुरुआत करें। किसी अनुरोध को तुरंत स्वीकार करने के बजाय जानबूझकर कुछ सेकंड के लिए रुके और विचार करें कि दूसरा व्यक्ति आपसे क्या करने के लिए कह रहा है। यह विराम आपको हाँ कहने की अपनी आदत को कम करने में मदद करता है। इसके बाद इस बारे में सोचें कि आपको किसी विशेष अनुरोध के लिए हाँ कहने के लिए क्या प्रेरित करता है। मान्यता, स्वीकृति, कम आत्मसम्मान। महसूस करें कि हर समय हाँ कहना एक आदत है जिसे आपको छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आप नहीं क्यों नहीं कह सकते। लोगों को कई कारणों से नहीं कहने में परेशानी होती है। लोगों को नाराज करने से बचे। अक्सर लोग किसी को परेशान करने से बचने के लिए हार मान लेते हैं। नहीं कहने से न डरें, लेकिन हमेशा दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान के साथ कहें। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आते हैं जो आपसे मदद मांग रहा है, तो आपने वह सब कुछ कर दिया है जो आप कर सकते हैं या करना चाहिए। ये ज्ञान आपको दोषी महसूस करने से मुक्त कर सकता है। लोगों को निराश करने से बचें। जब आपको लगता है कि आपने किसी को मना करके निराश किया है तो जल्द ही पछतावा होने लगता है।
याद रखें कि खुद के लिए खड़े होने पर पछतावा महसूस करना उचित नहीं है। जब आप दूसरों के अनुरोध को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें निराशा से बचाना आपका काम नहीं है। स्वार्थी दिखने से बचने के लिए अक्सर लोग हमेशा हाँ कहने का रवैया अपनाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि दूसरे उन्हें स्वार्थी समझें। अगर आप लगातार दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ज्यादा अहमियत देते हैं तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। दूसरों की मदद करना, लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करना पसंद करते हैं। सबसे अच्छे तरीकों में से एक है दूसरों की सहायता करना, लेकिन यह अदूरदर्शी है। आपका समय, पैसा और ध्यान सीमित है। अपनी संपत्ति को दान करने के तरीके में चयनात्मक रहें। कम आत्मसम्मान का निर्माण करना, जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे अक्सर गलती से यह मान लेते हैं कि उनके समय का मूल्य अन्य लोगों की तुलना में कम है। जब आप नहीं कहते हैं तो आपका आत्मसम्मान वास्तव में बढ़ सकता है। दूसरों को पसंद करने के लिए आपको लगता है कि जब आप दूसरों को नहीं कहेंगे तो वे आपको कम पसंद करेंगे। असल में वे आपको ज्यादा पसंद करेंगे और आपका ज्यादा सम्मान भी करेंगे। मूल्यवान दिखना, हर कोई चाहता है कि उसकी सराहना की जाए, लेकिन दूसरों की मदद करने की जल्दबाजी में इस हद तक न पड़े कि आप अपनी जरूरतों को कमतर आंकें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप उनके लिए मूल्यवान होते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर न लगाएं। अवसरों को खोने से बचने के लिए, क्या आपको अपने बॉस जैसे महत्वपूर्ण लोगों को नहीं कहने में डर लगता है? क्या आपको चिंता है कि अगर आप वह नहीं करेंगे जो बॉस चाहता है तो जब दूसरे अवसर आएंगे तो वह आपके बारे में नहीं सोचेगा? क्या आप अपने मैनेजर के लिए कुछ महत्वहीन करके अपना समय बर्बाद करने के खतरे में हैं ताकि भविष्य में खुद के लिए कुछ महत्वपूर्ण करने का मौका मिल सके? इसके बजाय और भी अधिक महत्वपूर्ण चीजों की पेशकश की राह पर आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण चीजें करें। भावनात्मक बदमाशी से बचने के लिए, बदमाश तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उनकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए सहमत नहीं हो जाते। उनके कठोर हथकंडे, चिल्लाना, धमकी देना, गाली देना सभी हेरफेर के रूप हैं। उन्हें देखें कि वे क्या हैं और धमकाने वाले की शक्ति को कम करने के लिए दृढ़ता और स्पष्ट रूप से मना करें। संघर्ष को रोकने के लिए, कभी कभी संघर्ष से बचना असंभव होता है और सामंजस्य स्थापित करना असंभव लगता है। खुद को बचाने के लिए संघर्ष को अपनाने के लिए पर्याप्त साहसी बनें। जब आप टकराव से बचने के लिए हाँ कहते हैं तो आप केवल इस धारणा की पुष्टि करते हैं कि आपकी भावनाएं सबसे कम मायने रखती हैं। बेवकूफी महसूस किए बिना नहीं कहना। इस बात पर विचार करें कि हमेशा हाँ कहने से आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अपनी हाँ कहने की आदत को छोड़ने के लिए इन रणनीतियों का उपयोग करें। सीधे रहें। जब लोग आपसे ऐसे काम के लिए कहें जो आप नहीं करना चाहते तो बिना किसी बहाने या संदेह के सीधे मना कर दें। सीधे और ईमानदार रहें। समय के लिए टालमटोल न करें। टालमटोल करने से केवल अनुरोधकर्ता को परेशानी होती है और आप अनिर्णायक लगते हैं। टालमटोल करना अपमानजनक है। तुरंत मना करना देरी करने से ज्यादा सम्मानजनक है। नहीं को किसी दूसरे शब्द से बदले आप वास्तविक शब्द का उपयोग किए बिना भी नहीं के विचार को व्यक्त कर सकते हैं। अलग अलग वाक्यांशों के साथ आघात को कम करें। उदाहरण के लिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी इस प्रोजेक्ट में व्यस्त हूं। बहाने बनाने की इच्छा का विरोध करें। मनगढ़ंत बहाने शायद ही कभी किसी को बेवकूफ बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कल आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पीठ में चोट लग गई है। बहाने बनाने से आप कमजोर हो जाते हैं और संघर्ष का डर बढ़ जाता है। इसके बजाय बस नहीं कह दें। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अपने निर्णय की जिम्मेदारी लें। जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है और आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो लगभग हमेशा सच कहा जाए तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता कहना एक बहाना है। अपने जीवन और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें। यदि आप चाहें तो जब आप ना कहें तो आप एक कारण जोड़ सकते हैं, एक सच्चा कारण। अनुरोधकर्ता से बाद में फॉलो अप करने के लिए कहें। जब आप अनुरोध करने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि जब आपके पास इस पर विचार करने का समय हो तो वह फिर से जांच करे, तो ये टाल मटोल नहीं है। ये पूरी तरह से उचित प्रतिक्रिया है और दबाव को वही डालता है जहां होना चाहिए, अनुरोधकर्ता पर। अपनी उपलब्धता के बारे में झूठ बोलने से बचें। क्या आप अपने जीवन के प्रभारी हैं या अनुरोधकर्ता आपके जीवन का प्रभारी है? आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। कम से कम आपको ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और आपको दूसरे लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार महसूस करने की जरूरत नहीं है। उनकी प्रतिक्रियाएं उनकी विशेषताएं हैं और उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है।
कोई वैकल्पिक रणनीति पेश करें, यदि संभव हो तो अनुरोधकर्ता को कभी भी अधर में न छोड़ें। यदि आप वह नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते जो वह चाहता है, तो कोई दूसरा विकल्प सुझाएं, शायद किसी और की सिफारिश करके। अपनी बैंडविड्थ की कमी का वर्णन करें। न कहने का एक शानदार तरीका यह है कि आप अपने व्यस्त शेड्यूल में गतिविधियों का विवरण दें, ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि वास्तव में आपके पास मदद करने के लिए समय नहीं है। दृढ़ रहें, दबाव डालने वाले अनुरोधकर्ता किसी भी उत्तर के लिए नहीं सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन उनके दबाव में न झुकें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आक्रामक अनुरोधकर्ता आपके दबाव में आ जाएगा, और जब तक आप शांत नहीं हो जाते तब तक आपको शांति नहीं देगा। उदाहरण के लिए, शेरोन, मुझे पता है कि आपको नहीं सुनना पसंद नहीं है और आप लगातार ऐसा करते रहते हैं, लेकिन मैं अपना विचार नहीं बदलने वाला। विनम्र रहें, कभी भी अनुरोधकर्ता के साथ असभ्य व्यवहार न करें, चाहे वह कितना भी असभ्य क्यों न हो। आपकी ओर से की गई असभ्यता बाद में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आप विनम्र और मुखर दोनों हो सकते हैं। श्रेणी के अनुसार मना करें। आपके पास अपनी तत्काल नौकरी के विवरण के बाहर अतिरिक्त विशेषज्ञता हो सकती है। एक सामान्य नियम बनाएं और सुनिश्चित करें कि हर कोई इसके बारे में जानता हो कि आप उस अतिरिक्त क्षेत्र में किसी की मदद नहीं कर सकते। इस तरह आपको किसी भी विशिष्ट व्यक्तिगत अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना पड़ेगा। कम बार न बोलें। जब आप हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ज्यादा अहमियत देते हैं, 5 मिनट यहाँ, 1 घंटा वहाँ, 2 घंटे कहीं और, तो आप अपनी सबसे सीमित वस्तु को बर्बाद कर देते हैं, अपना कीमती समय। एक बार जब आप अपना समय दे देते हैं तो आप उसे कभी वापस नहीं पा सकते। वे 5 मिनट अक्सर 45 मिनट में बदल जाते हैं, और वे 2 घंटे अक्सर दिन के अधिकांश भाग में बदल जाते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना समय दान करके 1 या 2 लोगों की मदद करेंगे, तो आप शायद नियमित रूप से कई अन्य लोगों की भी मदद करते हैं। हो सकता है कि आप अपने उत्पादक घंटों का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने में खर्च कर दें और कभी अपने लक्ष्य हासिल न कर पाए। स्वदेखभाल स्वार्थी नहीं है, यह जरूरी है। समस्या यह है कि अगर आप लगातार दूसरे लोगों को हाँ कहते रहेंगे, उनकी प्राथमिकताओं को अपनी प्राथमिकताओं से आगे रखेंगे, तो आपके पास खुद की देखभाल करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं होगी। ये व्यक्तिगत आपदा का नुस्खा है। आपको अनुरोधों, निमंत्रणों, उपकारों को ठुकराने के लिए बिना दोषी महसूस किए काम करने का एक अलग तरीका चाहिए। विनम्रता से मना करना जानना और वास्तव में ऐसा करना 2 अलग-अलग बातें हैं। पहली कुछ बार जब आप खुद के लिए खड़े होंगे तो यह आसान नहीं होगा, लेकिन समय के साथ और नियमित अभ्यास के साथ, आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी बहाने के मना करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन को प्राथमिकता नहीं देते तो कोई और देगा। अनिवार्यतावादी समर्थक ग्रेग मैककेविन, ना कहने में माहिर बनने के लिए छोटे छोटे इनकारों से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े इनकारों की ओर बढ़ें। उदाहरण के लिए, किसी रेस्टोरेंट में सर्वर से कहें, नहीं मुझे मिठाई नहीं चाहिए, धन्यवाद। एक बार जब आप छोटे छोटे ना कहने में सहज हो जाएं, तो मध्यम आकार के ना कहना शुरू करें और अंततः बड़े ना कहना शुरू करें। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे, आप अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ बातचीत करते समय एक नया बदलाव महसूस करेंगे। वे आपके समय के लिए लगातार अनुरोध करके आपको परेशान करना बंद कर देंगे। जैसे जैसे आप ना कहने में बेहतर होते जाएंगे, आपको इसे बहुत कम बार कहना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको दूसरों को बताना पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ जानना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।